आउट। तो गोल्डन डक तो दो गेंदों पे दो झटके लगे, पहली गेंद का सामना किया था फैजुल्ला, आउट हुए थे, गोल्डन डक के शिकार हुए। दूसरे गेंद पर शादाब गोल्डन डक के शिकार हुए, दो झटके लगे, दो गेंदों पे दो विकेट, जीरो रन पर दूसरा भी विकेट जाता हुआ लाडौली का। दो सलाबी जोड़ी मैदान में है, दो मिडिल ओवर के बल्लेबाज नए बल्लेबाज मैदान में है, एक है शोएम स्ट्राइक गेंद पर, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है उमेर, और इसी के साथ हैट्रिक का मौका है। दो गेंदों पे दो विकेट जाने के बाद हैट्रिक का मौका है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक का मौका था लेकिन गेंद उनके पैर को लगती हुई देखना होगा। टारगेट हिट करने की कोशिश, ओवर थ्रो, लेकिन वहां से सिंगल ही दिया जाएगा, सिंगल मिलेगा, अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाइज का इशारा। अंपायर बनना बहुत आसान होता है लेकिन मैदान के अंदर अपन को हर गेंद पर इशारा करना चाहिए। बल्ला का रन है, लेग बाइज है, बाइज है, वाइड है, नो बॉल है, शॉर्ट है, तो बल्ले से निकली रन। तो खाता खोला यहाँ स्वयं ने, खाता खोला लाडौली का एक रन के साथ, सामने अचूर से लिफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी फिर से कला की, सारे गेंद को खेल दिया था, स्कोर लेके दिशा में निकलती गेंद, एक रन तो पूरा किया उमेर ने, अपना खाता खोला, लाडौली पहुंचे दो रन दो विकेट के नुकसान पर। खराब शुरुआत हो चुकी है लाडौली की, लगातार दो गेंदों पर दो बड़े झटके लगे, एक 420 का, एक 440 का, तो कौन 440 कौन 420 ये डिसाइड करना चाहिए, लेकिन दो झटके लगे यहाँ लाडौली को। फैजुल्ला आउट हुए पहली गेंद पर डीप मिड ऑन क्षेत्र पर, शादाब आउट हुए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के हाथों में थमती हुई गेंद थी, दूसरा झटका लगा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी सीधे बल्ले से गेंद को खेला, ऑन द राइज खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में निकलती गेंद, डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर एक गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ एक रन के साथ तीन रन दो विकेट के नुकसान पर। हड़तालू का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आयोजित राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का शानदार 2022 का शानदार आयोजन करते हुए यहाँ कोल की क्रीड़ा नगरी पर। एक गेंद थी खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था लेग स्टंप पर, अच्छी फील्डिंग, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट हुआ एक रन के साथ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ चार रन दो विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अभी भी यहाँ पहला ओवर खत्म होने का इशारा होता हुआ अंपायर हरीश माणिक द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि चार रन है दो विकेट के नुकसान पर। इसके बाद गेंदबाजी में शायद बदलाव किया जाएगा, दूसरा गेंदबाज कौन आता है देखना होगा नांदगांव की तरफ से। जल्दी जल्दी डिसीजन आपने ग्राउंड क्या लेना है नांदगांव, केतन गेंदबाजी करेंगे, केतन है, अभिजीत है, उसके बाद पहला गेंदबाज किसने कौन था, तेजस था, अच्छी गेंदबाजी है नांदगांव की। उमेर स्ट्राइक पर दूसरी ओर, अपना ओवर के अपना कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकने के लिए केतन तैयार है, छोटा सा बॉली रड़ा पर सामने अच्छे से रही टम्बो ओवर द विकेट, गेंदबाजी की जाएगी, फुल टॉस थी, मिस हुआ, गेंद जाती हुई चाहे डिक्लेयर जोन में जाएगी या नहीं अंपायर का इशारा देखना होगा, डिक्लेयर जोन है, सिंगल लेकर स्टार मिलेगा, स्कोर बोर्ड एक रन से हिलता हुआ पांच रन है बिना कोई दो विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है तो निश्चित रूप से तीन ओवर का मुकाबला, तो ये दोबारा गेंदे क्या लेकर आएगी लाडुली के लिए ये 12 गेंदे बता देगी। एक शानदार एक अच्छी हवा निकलती हुई मैदान के अंदर, तो अच्छा रहता है यहाँ का स्कोर भी अच्छा रह रहा है। और इसी के साथ ये गेंद मिड ऑन काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद सी मारे का बाहर छटकर स्कोर है जो कि डबल फिगर भी जाता है, गहरा रन दो विकेट के नुकसान पर। ये गेंद थी शायद अंपायर का इशारा देखना होगा, हल्की सी आवाज आई, आउट हो गया अंपायर और तीसरा विकेट का पतन, उमेर आउट।
कोशिश करनी होगी निहाल और सोयम को। तीन विकेट जल्दी गिरे, 11 रन पर तीसरा विकेट गिर चुका है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर का मुकाबला है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला है, तो यह फैसला कामयाब करना है कप्तान का। बल्लेबाज है निहाल स्ट्राइक पर, केतन के एक गेंद ही, निहाल ने भी मिस टाइम शॉट खेला, विकेट कीपर गेंद के नीचे, चौथा विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरा विकेट, हैट्रिक का मौका है केतन के पास। केतन हैट्रिक का मौका है, अगर हैट्रिक करते तो दूसरी हैट्रिक होगी। ये गेंद थी, उठा दिया था, सीधे बल्ले से खेला था, ऑफ ड्राइव किया था, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, फील्डर आया, आखिर गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अरे इस ओवर की शायद आखिरी गेंद होगी, तो 7 गेंदें आना बाकी है लाडोली के लिए। फैजान है स्ट्राइक इन पर, हाथों में माइक लेकर बोलना आसान होता है, मैदान में जाकर करना बहुत मुश्किल होता है। आज यहां जरूरत है फैजान की पारी की अपनी टीम के लिए, लाडुली के लिए। बढ़िया शॉट, अंडरराइज खेला, मिड विकेट क्षेत्र पर निकलती गेंद, फील्डर आए, मिस फील्ड किया, दूसरा रन मिला फैजान को, फैजान ने अपना खाता खोला, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर, साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। तो काम करना चाहिए फैजान को, आज मुसीबत में है टीम लाडोली, आज जो भी खेलेगा वो लाडोली के लिए बड़ा बन जाएगा, हीरो बन जाएगा आज लाडोली के लिए। तो किसी को एक दौर को स्वयं या फैजान, किसी एक को हीरो बनना है, किसी एक को आक्रमण करना है, जिस तरह रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था उसी तरह आक्रमण करना है यहाँ लाडोली को, यहाँ लड़गांव की गेंदबाजी के ऊपर। तो देखना होगा स्वयं आक्रमण करते हैं या फैजान आक्रमण करते हैं, आज किसी दोनों में से एक को खेलना होगा अपने लाडुली टीम के गांव के लिए। आज लाडुली की शान को बचाना है तो किसी एक को बल्लेबाजी करनी होगी, तो ये दोनों के मन में है कि किसी एक को बल्ला चलाना है। आज लाडुली संकट में है, संकट मोचक बनना होगा किसी एक खिलाड़ी को। गेंदबाज है अभिजीत, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक अपने नाम की, बढ़िया गेंदबाजी की थी पहले मैच में कोल के खिलाफ, न भूलेंगे कोल, न भूलेगा अभिजीत कोल को। राइट हम ओवर द विकेट पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, 5 गेंदें बची है, निश्चित रूप से बड़ा प्रहार करना होगा, बड़े शॉट खेलने होंगे लाडोली को, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा नड़गांव के खिलाफ। नड़गांव की पकड़ इस मुकाबले में अभी तक थी 13 गेंदों पर मजबूत होती जाती जा रही है। सामने छोर से गेंदबाजी की जाएगी अभिजीत द्वारा। राइट हम ओवर द विकेट, ये गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, रन लेना चाहते थे फैजान, नहीं रोका स्वयं ने, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा, आउट, 5वां झटका लगता हुआ फैजान आउट, निश्चित रूप से 5वां झटका, नहीं बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। विकेट का पतन, फैजान आउट हुए रनआउट के रूप में, निश्चित रूप से अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं फैजान, कल से वो उनकी आवाज दिखाई जाएगी ड्रीम क्रिकेट 11 पर, चैंपियन लीग में कल से वो जुड़े जाएंगे। अरे इसी के साथ देखना होगा स्वयं भी आउट हो चुके, तो लगातार 2 गेंदों पे 2 झटके लगे। कौन है? हंजाला है बल्ला लेके जा रही है, माइक मेरे हाथ में है, हंजाला HANZA वे हाथ ना, हंजाला
तो अंजला है जलजला जैसी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। अंजला ने गेंद को उठा दिया, अंधे का शॉट खेला लेकिन गेंद से मारे का बाहर, जिसकी छत अला लगाई है लाडोली को हंजला ने। जलजला हैट्रिक का मौका जरूर था, अभिजीत के ऊपर भी एक साइकोलॉजी का दबाव आया हंजला का छक्का का, लेकिन क्या छक्का खेला था, अंधे का शॉट था लेकिन हवा के साथ गेंद सीमा रेखा पार निकली 6 रन के लिए। फैजुल्ला आउट हुए 0 पर, शादाब आउट हुए 0 पर, उमेर आउट हुए अपना निजी स्कोर, ये गेंद थी दिशा भटकी गई, टप्पा खाली कर लेग स्टंप की थोड़ी बाहर निकली, 1 रन के साथ स्कोर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। उमेर आउट हुए कितने रन पर, 8 पर, उसके बाद आउट हुए थे फैजान, आउट हुए हंजला। ओ अच्छी गेंद थी हंजला, खड़े से खेलने की कोशिश थी, ट्राई जरूर किया जा रहा है हंजला, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाडुली टीम के लिए। हंजला पेवेकर स्ट्राइक गेंद पर है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है फरान, बड़े बड़े बल्लेबाज बड़े बड़े नाम वाले निश्चित रूप से डगआउट पे बैठ रहे, यहाँ से कुछ आवाज दी जा रही है, हंजला कोशिश कर रहे हैं, उबरता हुआ सितारा है लाडोली का, फुल टॉस गेंद थी खेलना चाहते थे, शरीर को लगी गेंद, सिंगल लिया, दूसरा रन की कोशिश देखना होगा, तो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट हुआ है और इसी के साथ विकेट का 7वां विकेट का पतन स्कोर है जो कि 22 रन। तो 22 रन है, जीत का लक्ष्य रखा है 23 रनों का यहां लड़काओं के सामने। इसके बाद आजाद वरन बनाम करंस खोल के बीच मुकाबला होगा, टॉस के लिए पहुंचे आजाद वरन और करंस खोल, टॉस के बॉस में जाएगा कैमरा, यहां भी घूमेगा टॉस के बॉस की तरफ, तो करंस खोल बनाम आजाद वरन के बीच मुकाबला होगा। आजाद वरन की तरफ से कप्तान आ चुके हैं, करंस खोल के कप्तान आइए टॉस के लिए, विकास चौहान के हाथों से टॉस किया जाएगा। आजाद वरन और करंस खोल के बीच जो मुकाबला होगा ये विकास चौहान इनके हाथों से किया जाएगा टॉस। हेलो हेलो, करंस खोल के कप्तान आजाद वरन, तो टॉस करेंगे विकास चौहान उनके हाथों से, मुकाबला आजाद वरन और करंस खोल के बीच मुकाबला, टॉस किया जा रहा है, हेड इज द कॉल करंस कॉल टेल, आजाद वरन आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन है आपका? हम फील्डिंग करेंगे पहले और सामने वाले टीम को प्रेशर में रखेंगे कम से कम रन पे। क्या सामने करंस कॉल टीम है, बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, महा टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत सारे टाइटल उन्होंने जीते हैं, तो अब पहला मुकाबला शायद करंस कॉल बनाम आजाद के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो क्या रणनीति होगी, कैसे आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, कहाँ से कितने रन तक उनको रोक सीमित रखने की कोशिश करेंगे? सामने वाला टीम भी अच्छा है बट हम भी किसी से कम नहीं है, जो भी है कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम हमारा 100% एफर्ट देंगे। निश्चित बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। अभी अपन नानी फेक हरलात अपने बैटिंग कराएँ आणि आजाद सर की नवकी टीम है, 18 चेंडूंचा सामना है, 3 ओवर मधला सामना है, तो अपन 3 ओवर मध्ये कमीत कमी किती धावांचा टार्गेट एक माइंडसेट आपल्या मनामध्ये तयार असेल? आम्ही 60+ करायचा धावा प्रयत्न करू। निश्चित
ज्या प्रकार की बैटिंग लाएल है काल पाला अपन राहुल थोड़ा सा बैटिंग फॉर्म मे नहीं है, एक मात्र विनोद डिके चांगली फलंदाजी करते है, अनिकेत चांगली फलंदाजी करते है, तुझा स्वतः फलंदाजी बदल राहुल कांबली विशाल कांबली बदल म्हणजे कोणता असा फलंदाज है तुझा मेन हिरा है कि तू आज हा मैच में चालला पाहिजे? नक्की राहुल है आणि विशाल है, हे दोघांची जर का बैटिंग झाली तर वरण संघासमोर नक्कीच 60 प्लस धावा नक्कीच मारू आम्ही। निश्चित बेस्ट ऑफ लक आजाद वरण ऑन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। ये टॉस का बॉस जो है ना प्रदीप सकपाल, ये आजाद वरण ने दिया है टेनिस बॉल क्रिकेट में, ये ध्यान में रखे। ये टॉस का बॉस आजाद वरण ने शुरुआत की थी और वहां से ये टॉस का बॉस टेनिस बॉल क्रिकेट में आया। ये गेंद थी बढ़िया शॉट, आकिब ने खेला, गेंद को खेल दिया था मिडिल ग्रिड क्षेत्र में निकलती गेंद, डीप मिडिल ग्रिड से फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया दो एक रन लेना चाहते, दूसरा रन लेना चाहते थे आकिब, लेकिन नहीं अभी नहीं दौड़ रहे थे, सिंगल लेकर अपना स्ट्राइक रोटेट किया, तीन रन बिना कोई नुकसान के साथ। आजाद वरण ने टेनिस बॉल क्रिकेट में बड़ी टीम को हराने का ही कारनामा किया था, फाइनल में दाबोल बादशाह को हरा दिया था, चार ओवर में शायद 24 रन निकाले थे दाबोल बादशाह को, कितना सेट था अरमान? चार ओवर में 46 था, वो निकालने नहीं दिया था और बड़े बड़े बल्लेबाजों को उलट बांध के रखा था, तो ये एक उलट फेर था आजाद वरण के सामने। नई टीम है, सभी बच्चे 24 के अंदर है, राहुल कमली अंडर 24 खेलते हैं, एक मात्र खिलाड़ी है वो हमारे दामाद है सईम कुडुकर, वो 24 के ओवर 24 है, तो ये गेज टू गो तो गेंदबाज है यहाँ लाडोल की तरफ से, गेंदबाज है स्वेप, पहले ओवर में स्कोर है जो कि स्कोर बोर्ड पर 9 रन है, 22 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा है, उसको डिपेंड करना होगा लाडोली को, वो डिपेंड करने की कोशिश करनी होगी, कैच पकड़ करने होंगे, अच्छी लाइन लेन से गेंदबाजी करनी होगी, विशाल कांबली शायद फील्डिंग करते हुए लाडोली की तरफ से शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पर, तो पहले ओवर में 9 रन तो स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, तो 13 रन अभी भी दूर है अपनी जीत से, समय छोड़ से राइट और आउट विकेट, एक गेंद थी बैकफुट जाकर फिर से पुल किया था, वन बाउंस गेंद सी मारे का 5 चौका। स्कोर बोर्ड पर अंक आ चुका है 13, स्ट्राइक रेट पर है अकीब, तो खतरे की घंटी है यहां लड़गांव के लिए, अशुभ अंक आ चुका है, निश्चित रूप से दिमाग है काकिब के पास है, दिमाग है, टैलेंट क्रिकेटर निश्चित है, 13 गया 13 स्कोर है स्कोर बोर्ड पर, जीत का लक्ष्य है 23 रन, तो 12 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता है, मुकाबला निश्चित रूप से 80% मुकाबला लड़गांव के पक्ष में, 20% है यहाँ लाडोली के पक्ष में, लाडोली को आकर मुकाबले में वापसी करनी है तो निश्चित रूप से 2-3 विकेट लेने होंगे, चटकाने होंगे, फरहान गेंदबाजी करेंगे, फरहान कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, राइट हम ओवर द विकेट, एक गेंद थी अंदर राइज खेला, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, 14-13 का खतरा भी टाल दिया, 14 रन बिना कोई नुकसान के साथ अकीब है, अकीब धन से ये स्ट्रांग ऑलराउंडर ये खिलाड़ी माना जाता है, बढ़िया खिलाड़ी है, आक्रमण करता है, शांत खिलाड़ी नहीं खेलता, जब से अकीब ने नड़गांव ज्वाइन किया है तब से नड़गांव का बोलबाला हो चुका है मैदान के अंदर, अंदर राइज खेला, मिस फील्डिंग गेंद सी मारे का पार, 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता
18 रन। ये गेंदी और इसी के साथ फिर सीधे बल्ले से खेला, फिर से गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला बराबरी पर हो चुका है। एक रनों की आवश्यकता। होगी वरंद एक तरफ, होगी अकरंस कोल एक, होगी मजबूत टीम दूसरी, होगी नई टीम। एक सीनियर और एक जूनियर के बीच मुकाबला होगा। पहली बार आपस में भिड़ेंगे करंस कोल बनाम आजाद वरन की टीम। आजाद वरन